मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई, जैसे कि आप अभी देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने चंद तरकारी यानी वेजिटेबल के नाम और उसके फोटोज के जरिए आपको सिखाने की कोशिश की है। वीडियो तो बहुत अच्छी है, मगर मैंने अपनी क्लिप यहाँ पे ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि चंद लोग ऐसे होते हैं जो वर्ड्स थोड़े वेजिटेबल के वर्ड्स गलत पढ़ते हैं, यानी गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इन थोड़े वर्ड्स वेजिटेबल के सही तरीके से पढ़ाऊं। चलो हम सबसे पहला वर्ड लेते हैं और वो है वेजिटेबल। अक्सर लोग इसको वेजिटेबल बोलते हैं, वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल, वेजिटेबल। यहां पर ई का साउंड बिल्कुल साइलेंट में पढ़ना है आपको, ओके। सेकंड वर्ड है हमारा ब्रिंजॉल। अक्सर उसको ब्रिंजॉल बोलते हैं, ब्रिंजॉल नहीं, ब्रिंजल, ब्रिंजल। इसको हम लोग अक्सर, मैं भी सुना हूं, कुकुम्बर कहते हैं। एक कुकुम्बर नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर पहला वर्ड आपको क्यू से लेना है, क्यू कुंबर, क्यू कुंबर। कैरोट कहते हैं इसको, कैरोट नहीं माय डियर स्टूडेंट, इसको हम कैरेट कहते हैं, कैरेट। यानी सी का साउंड हमको के से लेना है यहां पे, कैरेट। लेते हैं और एक वर्ड हमारा टमाटो। एक्चुअली मैंने भी सुना है, शायद आपने भी ये वर्ड सुना होगा, टमाटो। टमाटो नहीं इसको इंग्लिश में कहना है, इसको कहना है टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम पटाटो। ये लोग अक्सर पटाटो या पोटेटो कहते हैं, नहीं इसको कहेंगे हम पोटेटो, पोटेटो, पोटेटो। चलो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड्स की तरफ। अगला वर्ड है हमारा वेजिटेबल का गार्लिक। एक गार्लिक नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, को हम गार्लिक कहते हैं, गार्लिक। यहां पे आर साइलेंस है, गार्लिक। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं टर्निप। ये टर्निप नहीं है माय डियर स्टूडेंट, यहां पे आर को आप साइलेंट में प्रोनाउंसिएशन करना है और ये वर्ड निकलेगा टर्निप, टर्निप। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरफ, ओके। ये वर्ड है हमारा टैमरिंड। टैमरिंड नहीं है, टैमरिंड, टैमरिंड। ये वर्ड हम सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड अक्सर हम यूज करते हैं जब हम तरकारी यानी वेजिटेबल जब यूज करते हैं, और वो वर्ड है हमारा ऑनियन। इसको ऑनियन नहीं माय डियर स्टूडेंट, इसको हम ऑनियन कहना है। हालांकि वर्ड ओ से स्टार्ट होता है लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन ए से लेना है, ऑनियन, ऑनियन। लास्ट वर्ड है हमारा सलाट। एक्चुअली हम जब किसी को दावत करते हैं या दावत पे जाते हैं तो अक्सर ये वर्ड हम सुनते हैं कि सलाट, सलाट नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, को हम एग्जैक्टली इंग्लिश में सैलेट कहते हैं, सैलेट।
जो शख्स गोश्त मछली नहीं खाता है, सिर्फ वेजिटेबल खाता है, ऐसे इंसान को या ऐसे शख्स को हम इंग्लिश में वेजिटेरियन कहते हैं, वेजिटेरियन। और लोग उसको अक्सर प्योर वेजिटेरियन भी कहते हैं। प्योर वेजिटेरियन का मतलब होता है ना गोश्त खाता है, ना मछली खाता है और ना ही अंडा खाता है। ऐसे लोग को हम इंग्लिश में वेजिटेरियन कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चंद वेजिटेबल के वर्ड्स आपको सही तरीके से पढ़ना आया होगा। और मैं जानना चाहता हूँ कमेंट के ज़रिए, मुझे आपका कमेंट चाहिए कि आपको इस वेजिटेबल में योर फेवरेट वेज कौन सी है, कमेंट में प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।